दोस्तों, वीडियो का मेन मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये बताना और आप ताकि सतर्क रहें, जब भी आप किसी भी थर्ड पार्टी से अपनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए वारंटी एक्सटेंड करवाते हैं तो इस चीज का आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना होगा, वरना बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अभी मैं जो शूटिंग कर रहा हूँ वो भी इसी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आपको बता दूँ। यहाँ आई बटन में देखिएगा, कुछ दिनों से कैमरा जो है मेल फंक्शन कर रहा है और इसी कैमरे के लिए मैंने एक्सटेंडेड वारंटी खरीदी है बजाज से। जैसा कि आपको पता ही है कि बजाज फिनसर्व काफी नामी कंपनी है, हो सकता है कि मे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने बजाज के कोई प्रोडक्ट लिए हो या बजाज से फाइनेंस कराया हो, तो मैंने भी इसको खरीदा था और इससे एक्सटेंडेड वारंटी ली है 2 साल के लिए। और इस कैमरे पे मुझे ब्रांड की तरफ से 2 साल की ऑलरेडी वारंटी मिली हुई है, हालांकि निकॉन के प्रोडक्ट पे जो कि इंडिया में है उन पर प्रोडक्ट वारंटी मिलती है। 22 सितंबर 2018 में मैंने इस कैमरे को परचेस किया है और एट द टाइम सेम टाइम पे ही मैंने बजाज से इसकी पॉलिसी भी ली थी एक्सटेंडेड वारंटी की। कैमरा लेने की खुशी में, वैसे अगर आपको नहीं मालूम है तो आई बटन में यहाँ वीडियो मिल जाएगा, और मे भी मैं इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूबर था जिसने निकॉन P1000 की अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके जरूर देखिएगा। तो मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी और मेरा कैमरा लगभग आज 2018 से आज 2022 चल रहा है, लगभग 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, चौथे साल में चल रहा है। तो प्रॉब्लम हुई क्या, जब मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ली थी खुशी के मारे मैंने पेपर वर्क पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि अभी इस पे काम चल रहा है और अभी ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी मैं आगे बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा कैमरा जो मेल फंक्शन कर रहा है, तो मैंने इसकी एक वारंटी को क्लेम करा, तो जैसा कि एज इट इज निकॉन की वारंटी खत्म हो चुकी है, बजाज से करना था तो बजाज पर जैसे ही क्लेम करने के लिए कंप्लेन दर्ज कराई तो वहां से कॉल आता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की वारंटी है वो 1 साल की थी और आपका जो 2 साल का एक्सटेंड किया था वो भी आपका खत्म हो गया है। पेपर ढूंढा, वारंटी कार्ड नहीं मिला, एक वारंटी स्लिप मिली। हालांकि निकॉन का कहना है कि इसमें 2 वारंटी कार्ड आती है, एक इंडिया के लिए अलग है शायद मे बी, तो मेरे पास वो नहीं था। तो जब मैंने बजाज के इसके अकॉर्डिंग बात की, बजाज को बताया कि भाई देखो कैमरा के ऊपर 2 साल की वारंटी ऑलरेडी मिल रही है, और गलती कहाँ हुई वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि प्रोडक्ट लेने की खुशी तो थी ही, तो उसमें हुआ क्या, बजाज की तरफ से एजेंट था, उसने जानबूझ के या जाने अनजाने में पॉलिसी के अंदर में जो प्रोडक्ट की ब्रांड वारंटी थी उसको 1 साल मेंशन कर दिया। चलो ये तो ठीक, कोई बात नहीं। तो जब मैंने क्लेम करने के लिए कॉल किया है तो वहां पर पहले तो इसको क्लियर कराने के लिए इतनी ज्यादा जिच हो रही है, इंडिया के अंदर जो भी निकॉन के प्रोडक्ट हैं उन पर 2 साल की वारंटी है, इंडिया के बाहर में जो भी प्रोडक्ट है निकॉन के उस पर 1 साल है। अब उस एजेंट की गलती या जानबूझ के की गई गलती, मेरी लापरवाही आप चाहे जो कह लीजिए, उसकी वजह से अभी तक मुझको वारंटी का क्लेम नहीं मिला है जो बजाज की तरफ से मुझे लेना है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, तो मे बी इन फ्यूचर हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो जाए, इसलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि प्रोडक्ट लेने की खुशी में जो पेपर वर्क है उसको केयरफुली आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट के साथ वारंटी कार्ड मिलता है उस चीज के लिए आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। हालांकि अब ऑनलाइन हो गया है तो इसलिए इजी हो गया है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो वारंटी ऑनलाइन अभी नहीं मिलती है। तो आप ये चेक करना कि अगर आपके पास जो वारंटी कार्ड है उस पर आपके प्रोडक्ट की वारंटी मेंशन है कि नहीं है, नहीं है तो एट द टाइम डीलर से आप उस पर मेंशन करवाना। दूसरी चीज, वारंटी कार्ड के ऊपर अपना एड्रेस, नाम, प्रोडक्ट डिटेल वो जरूर से फिल करवाना, वरना बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने बजाज से वारंटी ली थी और अब मुझे अपने कैमरे को वारंटी क्लेम करना था, तो मैंने सोचा कंप्लेन रेज कर दूं, जबकि बजाज की पॉलिसी के साथ क्या था कि प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट जाके चेक करते, अगर प्रोडक्ट ज्यादा खराब होता तो वो प्रोडक्ट लेके जाएंगे फिर वो बनवा के फिर मुझे देंगे, ऐसा यहां पर मेंशन है। तो बजाज का कहना है कि आपके प्रोडक्ट की वारंटी कार्ड जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चीज मेंशन नहीं है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो कितने इयर्स की वारंटी इस पे है। हालांकि उनका कहना भी सही था,
तो इसके रिकॉर्डिंग मैंने निकॉन से बात की, निकॉन इंडिया पे कॉल किया, काफ़ी देर तक बातचीत की, उनसे पूछा मैंने कि भाई आप मुझे इस प्रोडक्ट पे आपका जो भी कैमरा है आप अपने हर कैमरे के ऊपर 2 साल की वारंटी देते हो, इस चीज़ को आप अपने वारंटी कार्ड के ऊपर मेंशन क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं डब्बे पे, आप देखेंगे निकॉन के किसी भी प्रोडक्ट पे डब्बे के ऊपर वारंटी में मेंशन है। मैंने कहा कि ठीक है डब्बे के ऊपर आपकी वारंटी मेंशन है, बट वो वारंटी तो सिर्फ आप तक ही सीमित है ना, अगर मैं अपना वारंटी आपके ब्रांड के थ्रू कंप्लेन करूंगा तब तक के लिए वो वैलिड है, जबकि आपके वारंटी कार्ड के ऊपर इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो प्रोडक्ट है उस पर 2 साल की वारंटी मेंशन है। तो उनसे भी मेरी काफ़ी बहस हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका जो कंसर्न है मैं अपने ऊपर टीम को बताऊंगा, वैसे आप ट्राई करना अगर आपके पास है तो पता करना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अभी तो मेरा ये रिसॉल्व नहीं हुआ है और आज मैंने मेल किया है, पिछले कई दिन से मैं बहुत सारे मेल कर रहा हूँ बजाज को, अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है। तो आज निकॉन ने मुझे मेल भेजा था, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उन्होंने अपने प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह दी है, यही मेल को मैंने फॉरवर्ड कर दिया बजाज की तरफ। अब देखते हैं कि कल उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर आप कभी भी वारंटी एक्सटेंड कराते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, चाहे फिर वो गैजेट हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड होम अप्लायंसेज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो अगर वारंटी कार्ड मिलता है तो उस पर प्रॉपर मेंशन करवाना, और जिस भी कंपनी से लेना है चाहे वो बजाज से हो या ऑनसाइट गो हो, जो भी थर्ड पार्टी है जिनसे आप वारंटी एक्सटेंड करा रहे हो, तो वहां पर पेपर्स बहुत क्लियरली चेक करना, टर्म्स एंड कंडीशन को तो खासकर पढ़ना, लोग वहीं चूक कर जाते हैं और इसका फायदा जो पॉलिसी देने वाली कंपनीज वो बहुत ज्यादा उठाती हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, वरना बहुत पछताना होगा, जैसे मैं अभी परेशान हो रहा हूं आपको भी परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए सोचा कि लाओ इस पर एक वीडियो बना दूं, ताकि अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हो तो बी केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों जब इनको अपनी पॉलिसी बेचनी होती है ना तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको ऐसा कन्वीनियंस कर देते हैं कि आप पॉलिसी ले लेते हो, बट पता नहीं क्या हो जाता है जब इनको क्लेम देना होता है तब पता नहीं इनकी नानी क्यों मरने लगती है। पॉलिसी देते टाइम तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये वो पलाना ढिमका, और जैसे ही क्लेम के लिए आपने क्लेम करा तो इनकी तो फिर नानी मर गई। और बाकी जैसा भी होगा नीचे पिन कमेंट में पिन कर दूंगा आने वाले टाइम में, अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो बाकी देखते हैं कि क्या होगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जो लाल रंग का चैनल का सब्सक्राइब बटन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल पर मैं हर तरह के कंटेंट को बनाता रहता हूँ, हो सकता है कोई एक आध वीडियो आपके काम आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वहीं से तय कर पाओ कि वीडियो अभी देखनी है या बाद में देखनी है। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।